इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेकिंग न्यूज का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक कानून में 2 साल पूरे होने पर मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाने से ओबीसी को मिर्ची लग गई है। ओबीसी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया है और कहा है कि सरकार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के साथ हमदर्दी का दिखावा कर रही है, जिसका हिस्सा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस है। ओवैसी ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं और लिखा है कि 7 साल बाद भी मुस्लिम महिलाएं अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज को अनसुनी कर रही है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा यह भी आपको बताते हैं। सरकार आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मना रही है। मोदी मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी का ढोंग कर रहे हैं। मोदी जी 7 साल से मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। इस दिवस के बहाने ही सही, आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। ओवैसी मुस्लिम महिला अधिकार दिवस को ढोंग बता रहे हैं, लेकिन जिन मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के खिलाफ बने कानून से फायदा हुआ है वो पीएम मोदी को शुक्रिया कह रही हैं। ओवैसी को मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर की बात सुननी चाहिए। वुमेन राइट्स डे है, महिला अधिकार दिवस है। मैं सभी को शुभकामनाएं और मुबारकबाद देती हूँ। करीब लंबे संघर्ष में हमने औरतों के जो निकाह के सुरक्षित नहीं हो पाते थे और कुरान के कानून के खिलाफ और उनके लॉ के खिलाफ, मुस्लिम लॉ के खिलाफ जो घर टूटते थे उसको लेकर के काफ़ी लंबा संघर्ष किया और कानून बना। बहुत अच्छी बात है, केसेस कम आ रहे हैं, हमारे पास भी केसेस आ रहे हैं और अखबार के समाचार में भी कम आ रहे हैं। मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जो 2 साल पहले जो ये लॉ आया है उससे मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये हादसा हो चुका है। मेरी 1995 में शादी हुई थी और 2005 में मेरा डिवोर्स हो गया। उन्होंने तो 3 तलाक कह के तलाक और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़वा लिया। मेरे पास 2 बेटे हैं जो छोटे छोटे थे। मैंने एज अ सिंगल पेरेंट रह के बहुत स्ट्रगल किया है और मैंने उनको बहुत मुश्किल से पाला है। तो मैं ये चाहती हूँ जैसा मेरे साथ हुआ है, मैं किसी भी बहनों के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती हूँ। मैं पूरा समर्थन करती हूँ कि मोदी जी ने बहुत अच्छा ये लॉ निकाला। हम इस बात से बहुत खुश हैं और मोदी जी का हम करते हैं, उनके साथ हैं हम और हम बहुत खुश हैं। दिल्ली में आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कानून बनने से ट्रिपल तलाक मामलों में कमी आ रही है। तो बड़े पैमाने पर जो 3 तलाक था उसका जो क्रिमिनल कुरीति थी, जो कुप्रथा थी, उसके खात्मे के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं को राहत तो मिली, लेकिन उसके साथ ही साथ उस परिवार को भी राहत मिली है जो परिवार की इससे परेशान रहता था, असुरक्षा का एहसास कराता था। और मोदी जी ने हमेशा ये कहा है कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का काटा हम ही से निकलेगा। और 2 साल पहले जब मुस्लिम महिलाओं के लिए सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून पास किया तो उसने सदियों से चली आ रही इस कुरीति पर करारा प्रहार किया। स्मृति ईरानी कहा कि आज पीएम मोदी को शुक्रिया कहने का दिन है। मजबूत सरकार वही होती है जो मजबूर आदमी के लिए हमेशा साथ खड़ी होती है और इसलिए मोदी जी की सरकार मजबूत है। हमारी मजबूती इस बात में है कि हिंदुस्तान की जनता ने हमको दोबारा 4 करोड़ वोटों से ज्यादा का आशीर्वाद दिया, लेकिन ये आशीर्वाद हमने इसलिए पाया है कि हम लोगों की ढंग से सेवा करते हैं। और सेवा करने का मतलब ये होता है कि अपने पराये में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, जो सही है उसकी आवाज को खड़ा करना। और ट्रिपल तलाक के विषय में हमारी मुस्लिम बहनों की एक आवाज को कानून का रूप देने की जरूरत है। और केवल मुस्लिम समाज में नहीं, बाकी भी किसी भी समाज में अगर इस प्रकार की कोई कुप्रथा आई है तो उसको समाप्त करने का काम ही हमारी सरकार ने किया। घाव गहरा होगा लेकिन किसी और के पैर में कांटा ना चुभे, इसीलिए ऐसी बहनों ने संघर्ष किया। इसके आज का दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को आभार व्यक्त करने का दिन है और हर उस मुस्लिम महिला के संघर्ष को सलाम करने का दिन है जिसने कानून होने और कानून ना होने की
ऐसे हालातों में कितना संघर्ष किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।